अरे जवाब किसका देना है? एलपी यादव, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कुछ करना चाहोगे, किस तरह की फीलिंग है पहले वाले के मुकाबले में? आपका नाम जी, काफी अनरियल फीलिंग है मेरे लिए कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना आगे तक जाऊंगा एज अ वाइल्ड कार्ड। तो आज ट्रॉफी लेके आ गया वाइल्ड कार्ड, हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो बहुत दिल से ग्रेटफुल हूँ कि इतनी पब्लिक मुझे पसंद। काफी लोगों ने प्यार मिला सोशल मीडिया से, जिस तरह का प्यार मिला, अभी 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट हो चुकी है आपकी वीडियो, इतना प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से। नॉट ओनली बोलिए जरा यार, तुम लोगों ने स्टार बना दिया नहीं भाई, आप स्टार हो गए। मुझे अब फील हो रहा है कि कुछ तो बनाऊं मैं, जो ये कैमरे ने इतने सारे। अपनी मम्मी को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, अभी मैं मिला उनसे तो बहुत वैसी वाली फीलिंग आई कि अब मैं जल्दी से घर जाऊं, मम्मी के पास रहूं। हाँ, मेरी टीम में 3 बंदे हैं, तीनों मेरे से कम है एज में, उन्होंने काफी मेहनत करी, 1 महीना लग के वो मैंने देखी फोन में चेक करके, तो बहुत थैंक यू उनको। अलग पैसे दूंगा उन्हें, 25 लाख जीता हूँ उसमें से पैसे दूंगा। अभिषेक और आप दोनों सलमान के साइड में थे जहाँ पे यू नो विनर अनाउंस किया जाने वाला था, आपने घर के अंदर कहा था अगर मेरे पास मौका मिला तो मैं अभिषेक को जिताऊंगा, लेकिन जब अभिषेक का हाथ एक पल पर सलमान मैं मेरा ऐसा ही है, अपना मुझे घबराता रहता हूँ मैं ना, वो तो हुआ था कि अरे क्या हो गया। बट हाँ, अगर सही में मौका होता मेरे पे तो मैं देता, पक्का देता। एक पल के लिए आपने कहा था अगर मैं ट्रॉफी नहीं जीतता हूँ तो अभिषेक आप जीतना चाहिए, भाईचारा में आप काफी मानते थे, ये जो पल है जो आप दोनों थे वो पल कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, कितना आपके दिल के करीब रहने वाला है वो पल, जब सलमान सर आपका नाम कभी ले रहे थे, कभी अभिषेक का नाम ले रहे थे, वो पल कितना इम्पोर्टेंट था एलविश आपके लिए? मेरी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, मैंने सलमान भाई का हाथ यहाँ भी लगाया, एक बार चेक करो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा ये मत करो, तो बहुत जो वो वाला ऐसे होता ना उसमें धड़कन मेरी लिटरली बहुत तेज हो गई थी, बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से पता था कि कुछ तो सलमान भाई क्या कर रहे हैं और लाओ। एलविश, एलविश, इन प्रीवियस वीडियो आपने जब YouTube में आपने कई सारे वीडियो जहां पर आपने सलमान सर को टारगेट किया, बट अरे क्या बोल रहे हो तुम, आपने टारगेट किया है आपने यार, वो मेरा पुराना टाइम था, मैं बता तो रहा हूँ, वो खुद ध्रुव राठी ने इसके बारे में कहा है। अरे ध्रुव राठी को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ वो मैं रोस्ट करा मैंने एक टाइम पे, आई एग्री कि मैंने करा, बट जैसे आज मैं पहली बारी मिला उनसे, काफी अनरियल, मतलब मुझे लगा कि यार ये कौन है, मतलब पास से पहली बारी मैंने देखा, मूवीज में ही देखा मैंने आज तक, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, और उन्होंने ऐसा डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं होने दिया, मतलब बहुत कम्फर्टेबली बात भी करी उन्होंने, चिल मारो, ज्यादा मत सोचो, और फिर हाथ पकड़ा उन्होंने, गले भी लगाया 2-3 बार, तो काफी अच्छा था। एलविश जो आपने बातें की, जो जिया को लेके बातें हुई, जहाँ आपने कहा कि हमें पानी पिलाना धर्म है, उसमें काफी रील्स बनी है, काफी लोगों ने प्यार किया, काफी लोगों ने सपोर्ट किया, वो बात को लेके क्या कुछ कहना चाहूंगा? नहीं, डेफिनेटली बहुत सही बात बोली थी मैंने कि हमारे में नहीं, सब में, कि अगर कोई पानी पूछता है तो उसको पानी पिला देना चाहिए, या फिर अगर नहीं पिलाना तो मना कर दो, बट अगर पिला दो तो धर्म होता है। उसने बहुत गलत चीज करी, साबुन का पानी मेरे को पिलाया, तो मनीषा ने आप पर बहुत ट्राई किया, जिसके बाद आपने एक ही बात कही है कि मैं मेरा रिश्ता बाहर खराब नहीं करना चाहता हूँ, अभी आपने बात किया सब ठीक है या फिर कुछ खराबी हुई? नहीं, अभी मैंने कोई बात नहीं करी, बट मैं अभी करूँगा, चेक करूंगा कि ब्लॉक तो नहीं हूँ मैं। और मनीषा के साथ क्या चांसेस? नहीं, दोस्त है, उसको भी पता है, मुझे भी पता। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है वाला, और ये लैंग्वेज भी मेरा स्लैंग है जो हम यूजुअली यूज करते हैं, ऐसा भी नहीं कि मेरा चेंज हो जाएगा, बट जो मैं मान लो बाहर गाली देता था वो कम हो जाएगी, बट स्लैंग वही रहेगा जी। नो प्लानिंग, जो मिलेगा वो ले लेंगे, अच्छा मिला तो। एलविश, कलर्स के अगर बिग बॉस में अगर आपको चांस मिलता है क्या होगा आपका जवाब, क्या आप जाना पसंद करोगे? इस बार वाले में नहीं, क्योंकि अभी बहुत टाइम में दूर रहा अपने घर से, अगली बारी कभी मौका मिलेगा तो फॉर श्योर। एलविश जी, आप लोग बहुत जनों ने सपोर्ट किया जी, हरियाणा से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके आलिया भट्ट ने सपोर्ट किया आपको, क्या कहना चाहोगे? क्या बात कर रहे हो यार, क्या कहना चाहोगे? स्मृति ईरानी है, अरे वाह यार।
होगा सब पूरे इलेक्शन में आप लड़ेंगे। आलिया भट्ट पहले आलिया भट्ट को वापस आलिया भट्ट देख रही है तो आई लव यू जल्दी जल्दी जल्दी।